पांजे हो ही नहीं रही है। अरे नहीं हो रही तो बाहर आ जाओ ना, और होगी भी कैसे, दिन में 10 बार तो जा चुके हो आप। ईमानदारी से एक बार भी नहीं हुई भांजे। अरे जब हो नहीं रही है तो बाहर आ जाओ, डॉक्टर का नंबर आ गया है। आ गया, हाँ चलो। जब कुछ किया ही नहीं तो फ्लश क्यों किया? अरे वो पिछली वाली पार्टी का बहाया है भाई, बहुत गंदी कारकर्दगी थी। तुम सवाल बहुत पूछते हो। कब से है ये? परसों रात में गैस नहीं आ रही थी। अरे गैस का तो मसला ही नहीं, अभी आपको फुसफुसी चूर्ण देंगे। नहीं, चूर्ण वाला मसला नहीं है डॉक्टर साहब, चूल्हे की गैस नहीं आ रही थी। दाल पकने के लिए चढ़ाई थी, दाल गली नहीं, आधी कच्ची आधी पक्की खा ली, तब से पेट में बड़ी ऐठन है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि कंटेनर ना पोर्ट तक आ चुका है, पर कस्टम में कहीं फंसा हुआ है। अरे क्या कंटेनर, क्या पोर्ट, क्या गैस, ये सब क्या बोल रहे हो? आपसे आपकी हालत पूछिए ना, आप मुल्क की हालत ना बताओ। सीधा सीधा बोलो कि रफा हाजत के लिए बैतुल खला जाना हुआ पर इखराज फुजला ना हुआ। क्या कह दिया भांजे? मैं समझ गया, आपसे भी नहीं हो रहा। भी डॉक्टर साहब और किसी से भी नहीं हो रहा क्या? अरे भाई 76 साल से किसी से भी नहीं हो रहा। ना डॉक्टर साहब मेरी तो बिल्कुल ही बंद है। अरे सबकी बंद है आजकल, कोई तो इलाज होगा ना डॉक्टर? कोई तो होगा। इलाज है क्या? वीजा सेटामोल। वीजा अरे यार माओ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मसला हल हो गया। आंखें जल रही है यार। चलो भांजे। अरे फीस तो दो। अरे दे दे। बस हो गया बेटा, हो गया, बस। ये आखिरी 3 तो ऐसा लग रहा है चपाती लगा रहे। बहुत ही रोजा, वेलकम टू असना मनाए। मेरे साथ आज की जो गेस्ट हैं भाई 3.5 डेकेड से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, थिएटर फिल्म ड्रामा सभी कर चुकी हैं, हर साल पिछले साल से बेहतर काम करती हैं। तमाम मेल एक्टर्स इनके साथ काम करना चाहते हैं और फीमेल एक्ट्रेस इनकी तरह बनना चाहती है। घुंघराले बालों में लिपटी हुई खूबसूरत शदीद, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सानिया सिंह। आइए प्लीज। मैम बैठने से पहले कर लो पहले हम पे। हो गया। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। अच्छा ऐसा है कि हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है उसको ऑडियंस को एक शेर सुनाना पड़ता है, शेर कैसा भी हो सकता है। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी, वाह, गोया हर समत से जवाब आए, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। वाह वाह। प्लीज बैठिए। जहाँ पहुंचे कामयाब आया, कैसा लग रहा है आज एक कामयाब शो पे आके? बहुत अच्छा। मैं तो आपके लिए दुआ गो हूँ क्योंकि मुझे, मैं आपके शो पे आई हूँ, आप संभाल लीजिएगा। अच्छा मैं स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एक हमारे मुल्क में अदब व आदाब का एक ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको सानिया जी कहूँ, आपा कहूँ, बाजी कहूँ, सानिया कहूँ, क्या कहूँ? आपके दिल से क्या निकलता है? आह आह कहिए। मैं आपको सानिया ही कहूंगा क्योंकि आप सानिया ही हैं हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं वैसा कि हमारी अम्मियाँ जो होती हैं वो हमें सुबह कभी भी इज्जत से नहीं उठाती, कि हर लड़के से पूछ लें हमें गालियाँ सुन के उठना पड़ता है, उठ पड़ा रहेगा, उठ काम कर। आपकी अम्मी ने कुछ मुनफरिद किया, आपको उठाया और कहा जाओ ऑडिशन देने जाओ। ये कौन सी अम्मियाँ हैं? हमारी अम्मी जरा हैं मुख्तलिफ। जो हमारा पहला प्राइवेट चैनल था टेलीविजन का, उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमें अनाउंसर्स की ज़रूरत है। तो मैं बड़ी सो रही थी दोपहर को, गर्मियों की दोपहर थी, हमारी अम्मा ने जगा के कहा कि सुनो ये एक इश्तिहार आया है और ये क्या कहना चाहिए इसको, पार्ट टाइम जॉब होगी,
तुम कॉलेज भी अटेंड कर सकती हो और ये जॉब भी कर सकती हो। तो मैंने ऐसे बहुत ही सड़ा सा मुँह बनाया कि यार अब इस वक्त मैं जाऊँ और आज ही की तारीख है, अरे क्या अम्मी भी ना, और बुड़बुड़ा के मैंने खैर मुँह हाथ धो के मैं चली गई। ठीक है, चली गई तो हो गया, अम्मी भी साथ गई थी हमारे, अम्मी ने कहा देखो मैंने तुमसे कहा था, तो वो मुझे नौकरी मिल गई। और साढ़े मतलब ये लगी 3,000 रुपये महीने के, महीने के, और खत्म नहीं होते दस्तावेज। सही बात है, पुराना जमाना था वो, पुराना जमाना था तो, और मैं इतना मगरूर इंसान हो गई थी कि मैंने रिक्शा में सफर करना शुरू कर दिया था एकदम, इतना एकदम मैं बस से मैं रिक्शे पे आ गई। मैंने कहा मैं रिक्शे में जाया करूंगी, वो भी एक टांग बाहर निकाल के ना, जब मेरे पास पहली बार पैसे निकाल के जाऊंगा, सब देखते रहने जा रहा हूँ। मेरा अपना स्वैग था, हाँ, अपना स्वैग ऐसा था, अपने दोस्तों को भी रिक्शा में लेके जाते थे। अच्छा, जब आप सारी दोस्तों में सबसे अमीर हो गई, 3,000 रुपए पर हेड हो गया आपका, हाँ। तो आपका मतलब वो लड़कियां जेलस होती थी आपसे या कहती थी वाह भाई हमारे पास भी फाइनेंसर आ गया? हाँ, ये कहती थी हमारे पास फाइनेंसर आ गया, जेलस नहीं होते थे क्योंकि वो सारे ही ऐसे लोग थे जो एक तो थिएटर के साथ कमिटेड थे, फिर वो कम्युनिटीज के अपने लोग थे, ये उनके प्रॉब्लम्स थे, तो वो खुश होते थे। बात करेंगे आप क्योंकि कराची के उन इलाकों में थिएटर कर रही थी, वो भी स्ट्रीट थिएटर, जिनके बारे में एक पर्सपेक्टिव सा बना हुआ था कि वहाँ पे तो बड़े खतरे हैं और वहाँ पे उस जमाने में पता नहीं क्या था, लेकिन बीच का दौर ऐसा आया जैसे लियारी का नाम आपने लिया, वहाँ पर स्ट्रीट थिएटर देखने वाले लोग होते थे? हाँ, लियारी के लोग तो यार एक तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत पोलिटिसाइज्ड है और बहुत बहुत शदीद अच्छे लोग थे। हाँ, तो हम ना सिर्फ लियारी में करते थे, हम उसके जो गिर्दो नवा के इलाके हैं, पुराना गोली मार भी है उसमें, गटर बगीचा का इलाका है, हाँ, कुम्हारवाड़ा है, और ऐसी बहुत सारी जगहों पे, फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज के अहातों में, ट्रेड यूनियंस के दफातर में, तो हम बहुत सारी जगह पे परफॉर्मेंसेस करते थे। फिर हमने इंटीरियर से अंदर ट्रैवल भी किया, तो हमने अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में भी। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे वो पूछूंगा, मगर ये लोग बेताब बैठे, जितने मुंह उतने सवाल हैं। हाँ, अच्छा, एक एक करके सवाल लेंगे इनका। पहला किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फरजाना अफजल। फरजाना मैम, आप क्या करती? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। आप हाउसवाइफ? जी, बराबर में बैठे, ये उन्हीं का हाउस है? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इन दोनों का हाउस, दोनों का हाउस। जी जी जी। वो भी उसमें काम करते हैं कुछ या आप ही सारे काम करते हैं? मिलके करते हैं, मिलके काम, वो फैलाते हैं आप समेट। जी, कोई सवाल नहीं। हाँ जी मैम सानिया, एक तो माशाल्लाह मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, शुरू से बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग और खूबसूरत आपके हेयर स्टाइल, इसकी मैं दीवानी हूँ। मुझे पता चला कि आप माशाल्लाह एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं, तो अगर आप एनिमल होती तो आप क्या होती, और अगर ताबिश होते तो आप किस रूम में इन्हें देखना पसंद करती? हम लोग भी अपना एनिमल ही हैं बेसिकली, तो बेसिकली, और हर इंसान में, वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि हर इंसान में कुछ खसूसियात जानवरों की होती हैं, और एग्जैक्टली, एंड आई थिंक यू, आप बंदर या चिंपैंजी, आई थिंक यू वुड हैव बीन। अरे हाँ, मैंने बचपन में एक आर्टिकल लिखा था, वो हमें कहते हैं ना एसेज बच्चों को लिखने के लिए देते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, शायद मैंने ऑब्जर्व किया होगा या मुझे वो बात बचपन से ही वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाती थी, बुरी लगती थी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि मैं गधा हूँ जो एक रेड़ी खींचता है, फिर किसी ज़माने में मुझे हुआ कि मैं कुत्ता हूँ, मगर मुझे लगता है अगर मैं मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई जानवर होती तो कुत्ते के अलावा कुत्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो आप नहीं होती? तो मैं अगर उसके अलावा कुछ होती, अच्छा, तो शायद मैं वुल्फ होती। वाह, वुल्फ इज समथिंग दैट आई रियली आइडेंटिफाई विद। मैं फरजाना मैडम, मैं खुद बताऊंगा, वो क्यों बताएंगी मैं कौन सा जानवर होऊंगा। मैं बिल्ली होता। हाँ, मेरा तो क्यों, मैं अयाशी करता रहता पूरे दिन, पड़ा रहता, यूं यूं किया, एटीट्यूड दिखाया, म्याऊं करके निकल गया आगे। उनका फेवरेट जो भी एनिमल वो क्या? अरे अभी बता रही थी कुत्ता उनका फेवरेट है, वहां तक मैं कुत्ता उत्ता नहीं बनूंगा। क्यों? मैं कुत्ता पालूंगा, मुझे बड़ा पालने का शौक है, बन जाऊं खुद ही। बहरहाल मैं बिल्ली ही बनूंगा। थैंक यू।
तय होती है। बंद हो रही सब तस्वीर भी ऐसी लगाई तो मैं देखता हूँ बेटा तुम्हारा प्रेजल आने वाला है जो। थैंक यू मैडम, आगे बढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान बिखर जाइए। क्या करती हूँ मुस्कान? मैं नाइन्थ में। वेरी नाइस। सवाल पूछेंगी नाइन्थ में? नहीं, आपसे पूछूंगी। आ जाइए। पहेली पूछना चाहूंगी। पहेली पूछना चाहूंगी? वाह, ये तुम पहेली पूछो। दोनों जवाब देंगे लेकिन हम। घूम घूम के हुई तैयार सबको आया उस पे प्यार। घूम घूम के हुई तैयार सबको आया उस पे प्यार। घूम 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 के मैंने आप घूम के तैयार तो नहीं हुई आती। मुझे कॉटन कैंडी लग रही है। नहीं, घूम घूम के होती तैयार। घूम घूम के क्या चीज तैयार होती है? सबको आया उस पे प्यार। जलेबी। सही जवाब। मैं मिठाई में पहुंच गया था। एक और पंजाबी है। पंजाबी है क्या? इचकड़िच बंदा विच। इच बटन। इच मुझे समझाओ दोबारा बोलो। इचकड़िच बंदा विच। इचकड़िच कैमरा। वो भाग सुन लिया आपने। लेकिन हाँ इचकड़िच। वाह वाह बहुत अच्छा भाई। तो मैं दूसरों से भी पूछूंगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? आसिम महमूद। आसिम भाई आप क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंटर। रिप्रेजेंटर जी। और प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर। अरे वाह जी। वेरी वेरी नाइस। कोई सवाल पूछेंगे? जी मैं आपसे ताबिश भाई एक सबसे पहले सवाल पूछने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ स्पेशलिस्ट सिर्फ आपसे मिलने। अरे थैंक यू सर। और ये कुछ फूल में आके लेके आया था आपके लिए फूल मुझे और वो आपको देने हैं और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप सवाल पूछे फिर एक साथ ही फूल लेकर आ जाए। ठीक है। सवाल कैसे? सवाल आपसे ये है कि आप कब हंसना माना को इंग्लैंड में लेके आ रहे हैं यूके में और क्या अगर आप आएंगे उसी तरह आएंगे या आपको भी बीमार होकर आना पड़ेगा वहाँ पे? भाई जान बस मैं यही आपके सवाल पे कहने वाला था कि वो दो एक फ्लैट पकड़े जाए मेरे फिर मैं यूं आऊंगा और फिर मैं आके जाऊंगा नहीं। ठीक है। तो पढ़ा रहूंगा। नहीं नहीं सर बहुत जल्दी प्लान है इंशाल्लाह इंग्लैंड आने का। आएंगे आप खाना खिलाएंगे ना एक बार? डेफिनेटली इंशाल्लाह। फूल लेकर आइए ना सर। लाएं तो खर्चा किया तो आए। आए सर। थैंक यू। इंग्लैंड से जब भी कोई आता है खुशी होती है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ रख देता हूँ लेके मैं ही जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बेशक बेशक। प्रेम में ऐसा लगेगा ना आपको दिया ऐसा। हाँ। लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैम आमना। आमना आप क्या करती हैं? मैं कुरान हिफ्ज करती हूँ और तफसीर करती हूँ। अरे भाई माशाल्लाह। कोई सवाल पूछेंगे? मैम सानिया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ही बड़ी। और आपका एक ड्रामा था असीरजादी, तो उसमें आप बहुत मुझे प्यारी लग रही थी, लेकिन आपने बाल जो छोटे करवा लिए हैं ये किसी ड्रामे की वजह से करवाए हैं कि आपने इसी तरह अब रखने हैं? इसी तरह रखने हैं। मेरे बाल हमेशा से छोटे थे। मैंने बहुत कम पीरियड के लिए बाल लंबे किए, वो कोई 10 साल का पीरियड था। मेरे बाल लंबे रखना बहुत मुश्किल काम है। ये लंबे आप अंदर ही अंदर होते रहते हैं? हाँ जी। ये अभी भी इतने हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना मैं और मैं ज़रा ये जो सारी चीज़ें ना मैं इनसे काफ़ी बेजार इंसान हूँ। मैं बहुत ओकेजनली ऐसे ये तो मुश्किल बाल भी है। सच्ची बात है मुश्किल बाल है। आपको पता है ये कितना मुश्किल हुआ था? क्योंकि जुलाई की शूट है और मेरे बाल सीधे नहीं रहते और कराची की ह्यूमिडिटी की वजह से वो बार बार फिर वही कराची के मसले। हाँ कितना ह्यूमिड जुलाई में कितना ह्यूमिड होता है। ये बार बार कर्ली हो जाते थे। मेरे आधे सर के बाल गिर गए इस वजह से क्योंकि हर शॉट में इस्त्री होते लड़के नीचे से पकड़े हुए खड़े हुए बाल लिटरली इस्त्री पकड़ के ऐसे यासिर नवाज पकड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? राबिया अजमल। राबिया अजमल। राबिया क्या करती हैं आप? मैं बीएसआईटी कर रही हूँ। बीएसआईटी कर रही हैं आप? सवाल पूछेंगी या दुआएं देके जाएंगी? नहीं मैं आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है। आप दोनों का पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान है? और अगर कोई प्लान है तो आप इंतखाबी निशान अपना क्या चूज करेंगे? इंतखाबी निशान मैडम को पॉलिटिक्स आप इतनी देखें वोकल हैं इश्यूज के बारे में बात करती हैं। एक मुझे लगता है ऐसा कि आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा पॉलिटिक्स के बारे में। आने का कोई इरादा है? मेरा वो नहीं है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड नहीं है। अच्छा खुदा ना खास्ता ये हो जाए अच्छे लोग भी आने लगे। हाँ, ऐसे आने ही चाहिए। तो आपका कोई इंतखाबी निशान सोच रखा है आपने? क्या होगा?
कुत्ता वुल्फ नहीं कुत्ता ओके डन कुत्ता थैंक यू थैंक यू एक फैसल का लतीफा आपको कुत्ते पे सुनाऊंगा किन फैसल का नहीं हमारे फैसल का कुरैशी का तो आप ऐसे बता रही हैं इतने सारे फैसल हैं उनमें से कौन सा हाँ हमारा फैसल कुरैशी एक्टर वाला फैसल ने एक छोटा सा कैरेक्टर किया मंटो में एक कहानी है मंटो साहब की कि वो आता है सदाकार और वो आकर उनकी कहानी पढ़ रहा है रेडियो पे लाइव और वो मंटो साहब देख रहे हैं उसको क्या कहानी उस लड़के ने पढ़ी मैं तो एक दफ़ा मैं डबिंग के लिए गई जब मंटो की तो मैंने देखी मैंने कहा यार दोबारा डबिंग वबिंग भूल गई मैंने कहा यार दोबारा लगाओ और मैंने दो तीन दफ़ा उसकी वो कहानी रिलीज़ होने से पहले मैंने वो कहानी देखी और फिर मैंने उसे कहा भी तो जब मुझे बहुत किसी पे प्यार आता है तो मैं कहती हूँ कुत्ता है कुत्ता है क्योंकि उसका मतलब हाँ मतलब मैं गुस्से से नहीं कहती हूँ मैं प्यार से कहती हूँ तो अगर मुझे किसी पे गुस्सा है मैं उसे कभी कुत्ता नहीं कहती मैं कभी किसी जानवर का नाम नहीं लेती अगर मुझे किसी को गाली देनी है या मुझे किसी को बुरा भला कहना है जानवरों का इसमें कोई कसूर नहीं होता बिल्कुल इसमें हमको ये बदलने की जरूरत गालियां क्या बची जो गालियां बची वो खबीस खबीस ठीक है हाँ कमजर्फ वाह बदतमीज ऐसा लग रहा है गजल लिख रही है कमजर्फ कहो जो कह रहे हो जोर से तो कहो मैंने भी एक आपको कुत्ता प्यार में कहती है एक मुझे आप कुत्ता कहते कुत्ता बहुत ही कुत्ते हो तुम बहुत ही कुत्ते हो भाव भाव अच्छा ऐसे मेरा इंतखाबी निशान तो भाई वही है मैं तो बिल्ली के साथ ही जाऊंगा हाँ ठीक है बिल्ली बिल्ली अगला कौन है भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ताबिश भाई कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं सानी आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक शुक्रिया सर आप डॉक्टर हैं कब का ख्याल व्याल पूछे टेस्ट वेस्ट किए सर क्या नाम है सुहेल नाम है आप सुहेल असगर सुहेल भाई क्या करते हैं आप मैं टीचर हूँ माशाल्लाह क्या ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो सवाल पूछे मैम सानिया से सवाल ये है एक मैम सानिया और सर हमायूं इन दोनों की एज बढ़ नहीं रही क्या राज है इसमें एज बढ़ नहीं रही मेरी तो मेरी मेरी मैं तो जबरदस्ती अपनी एज बढ़ाई जा रही हूँ व्हाइटनर लगाती हूँ बुढ़ी बन जाती हूँ हो नहीं रहा ना आपसे हो नहीं पा रही बचपन से देखते हैं आप ऐसे के ऐसे ही हैं मैं ऐसी हूँ वाकई इनका बचपन 4 साल पहले तक का है छोटे से तो हैं हाँ ये इनका बचपन ज्यादा पुराना नहीं है इसलिए मैं हाँ अभी कहें तो इसका जवाब मैं अक्सर ये देती हूँ कि हम वैम्पायर्स हैं हम एज नहीं करते अच्छा ऐसा है एक सवाल इस पे बनता है कि तकरीबन हुमायूं और आप में बहुत ही कम फासला है एज वाइज लेकिन हुमायूं बड़ा मुझसे एक साल हाँ एक डेढ़ साल निकलते हैं हाँ। लेकिन वो अभी भी हीरो आ रहे हैं और आप माँ के कैरेक्टर में आ रही हैं ये भेदभाव क्यों है एक तो ये एक्टर पे डिपेंड करता है मैं शुरू से माँ के ही कैरेक्टर मेरा तो पहला प्ले ही वॉज अबाउट अ फैमिली एंड तो मैं तो शुरू से वही कैरेक्टर्स करती आई हूँ मैंने बीच में कभी कभी किए हैं कोई ऐसे हीरोइन टाइप कैरेक्टर्स हुमायूं वो इंजॉय करता है करना इंटरव्यू में यासिर नवाज और हुमायूं भाई ने दोनों ने एक इंटरव्यू में कहा कि सानिया के साथ अगर आप कोई मियां बीवी का भी रोल कर रहे होते हैं तो सानिया को देखकर एक एहतराम वाली फील बहन जैसी फीलिंग आ जाती है तो ये आप ऐसी वाइब्स आप डांटती भी तो होंगी लड़कों को सेट पे ये क्या हो रहा है वो सही से बैठो तमीज करो करती होंगी ना वो हम उम्र थे ना हम सारे तो और उस जमाने में जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ था कुछ ताबिश इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं था काम के लिए काम हो रहा काम के लिए काम हो रहा था और स्टारडम भी ऐसी वाली स्टारडम नहीं थी जैसे अब है जो कि अच्छी बात भी है कुछ मामलों में बहुत अच्छी बात है लेकिन हम लोग बस घरों के जैसे थे वी वर ऑल हमारे लिए जैसे हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम अपने को स्टार्स के साथ सेफ फील करते थे और हम बहुत आराम से उनको कह भी देते थे कि यार ये दिस इज मेकिंग मी अनकंफर्टेबल तो वो कह रहे थे अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी तो पर बताओ हम और क्या इसका अल्टरनेटिव क्या होगा तो हम बहुत इसमें हम लकी थे बहुत ही ज्यादा वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए वापस आइए हंसना मना कहीं नहीं जाएगा ताले बजाओ मेरा एक दोस्त है मुताबिकुद्दीन मुताबिक की साइकिल एक बार खराब हो गई तो वो मैं उसके घर गया हुआ था नीचे से उसको आवाज आ रहा था मुताबिक ओ मुताबिक अबे मुताबिक तो मुताबिक ने आपसे कहा होगा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे मुताबिक तो तुमको अभी स्कूल में होना चाहिए था वो नीचे आने लगा तो उसकी अम्मी ऊपर से आवाज देने लगी मुताबिक मुताबिक मुताबिक
Ladies and gentlemen, welcome back to Hasna Manaye. Meri hai aaj Eid kyunki mere saath hain Sania Saeed aur hum dono ke saath hai pyari audience jisko hum baat kar rahe hain jinse. Assalamu alaikum bhai jaan. Sir, wa alaikum. Kya naam hai bhai? Sir Faiz Parvez. Faiz, tumhara hair style mujhe bahut pasand hai. Aisa lag raha hai kisi patli gali se nikal ke aaye ho. Yahan ke kat gaye upar ke rahe. Very nice. Kya karte hain Faiz? Sir, main call center mein job karta hu. Married hu main. अरे माशाल्लाह भाई, सबको जल्दी जल्दी कर लिया आपने जी. क्या सवाल पूछे जी? मैं सर, मेरा मैम से सवाल है, आपसे भी है जी. मैम, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ जी. मैं पूछना चाह रहा था कि कराची में वैसे चोरी डकैती यहाँ में कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुए कि कभी आपके पीछे चोर या डकैत लग गए हो? मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर वालों के साथ कई दफ़ा हो चुका. आप करवाती? उनके साथ हो रहा, आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, मैं चोरी डकैती की जहाँ तक बात है तो घर के अंदर से ही चोरी हो जाती है, लेकिन बाहर से बंदा आने की जरूरत ही नहीं है, तो वो हो चुकी है कई दफा. अच्छा, उठा के ले गया, कोई काम वाम पे आया और ले गया, मोबाइल चोरी हुआ? काम का तो पता नहीं, लेकिन नहीं बाहर. अर्जन, ये कराची से आए, कोई दूसरा सवाल ही पूछ लेते. कराची वाले कम नहीं रहते मेरी तरह. हाँ, मैं भी तो हूँ. हाँ, कराची वाले. पानी कभी पानी गया है आपके घर से? हाँ जी. कभी गटर लाइन फूटी है हमारे? मस छोटे यही बातें हैं हमारे. हाँ, पास यही बात. लाहौर के अलग मसले. हाँ. सुबह क्या खाया? हाँ. खाते वक्त पूछ रहे हैं शाम में क्या खाएंगे. बिल्कुल सही बात है. उल्टे मसले. हाँ भाई जी. सर, मैं आपसे ये सवाल कि आप अगर शो छोड़ें तो आप किसको सजेस्ट करेंगे कि ये वो शो होस्ट करें? मैं छोड़ दूंगा, पर भाड़ में जाए कोई भी कर ले. मैं चला जाऊंगा अपने घर. मैं इस फिक्र में रहूं, मेरे बात कौन करेगा? कौन करेगा? मैं छोड़ के यूं पुर हो जाऊंगा जी. सर, मैं असल में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं आपसे हक करना चाह रहा था आपको. कराची से आया लड़का, मोबाइल साइड पे रख दूं पहले. थैंक यू सर, थैंक यू. बाल अरे बाल है अकड़े हुए. थैंक यू यार, थैंक यू फाइज, बहुत प्यारे हैं आप, बेस्ट ऑफ लक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कोई सवाल लाए सर आपसे? मेरा सवाल है कि आप कहीं सख्त सर्दी में खड़े हैं. सर्दी में खड़ा तो आपको बड़ी गहरी नींद आ गई है. खड़े खड़े तो आपको ऑप्शन दिया जाए कि इन तीन में से किसी के कंधे पर सर रख के आप सो सकते हैं, तो किसको आप चूज करेंगे? तीन कंधे, चार कंधे पूरे कर दो मेरे. तीन में से एक को चूजना है. चूजो. हाँ. पहला ऑप्शन आपके पास है लाइबा खान, दूसरा है अलीजे शाह, और तीसरा है मौलाना फजलुर रहमान. इन तीनों की प्रेजेंस में मैं सोऊंगा क्यों? जागता रहूंगा, देखता रहूंगा ये लोग क्या कर रहे हैं. लेकिन भाई, मैं मौलाना साहब के कंधे पे रख लूंगा, जरा कुशन है वहां पे, आराम से अच्छी नींद आएगी. ये बेटा, तुम ये इस नॉलेज का तुम क्या करोगे? मेरे कंधे सुन के तुम्हें क्या फायदा होगा? काम आएगा बाद में. काम आएगा, वेरी गुड, काम आएगा. हो सकता है किसी एग्जाम में सवाल आए. सवाल है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का होता है. ये इन्हीं सोचों में खुश होते रहते हैं, यार दाविज भाई ने उसके कंधे पे सर रखा होगा. टोटल यही तेरा वायरिंग का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे. अगला प्रॉब्लम ये बताएं कि क्योंकि आप माशाल्लाह से इतनी मंजी हुई अदाकार हैं, क्या आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हैं कि आप अच्छी एक्ट्रेस हैं, या आप हम्बल रहती हैं कि नहीं मैं बस ये दिल क्या कहता है आप अच्छी हैं या नहीं? जैसे मुझे लगता है मैं मेहनती हूँ. हाँ, मेहनती हूँ, मेहनत की है मैंने बहुत. अच्छी एक्ट्रेस हूँ या नहीं ये तो आपके लिए है. जब मैं उस प्रोसेस में हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि क्या मैंने इसे ईमानदारी से निभाया है. ठीक है, उसकी कोशिश मैं भरपूर करती हूँ. ये मैं 100% कह सकती हूँ कि मैंने अपने किरदार ईमानदारी से निभाए, मेहनत से, ईमानदारी से. आप मेहनत कह ले, हम कहते हैं कि आप बेहतरीन अदाकार हैं, क्योंकि हम तो देखने वाले लोग हैं. आप वो एक्नॉलेज कर सकते हैं. अच्छा, एक बार आपको एक ड्रामे में गोली लगने का शायद सीन था और अफवाह फैल गई कि आप चली गई, तो मैंने सुना कि लोग आप ही को फोन करके पूछते थे, हेलो हाँ मर गई क्या, ऐसे ऐसे पूछते ना लोग. भाई, कराची शहर में असल में ये मजाक वो भी सकता नहीं है, सच्ची बात. ये मजाक नहीं होता एक्चुअली. बहुत पुराना खेल है, वही कहानियां सीरीज का एक खेल है, मेहरीन ने डायरेक्ट किया था, और उसमें ये पांच दोस्त हैं जो हम अपने असल नामों से वो किरदार कर रहे थे. किरदार हमसे मुख्तलिफ थे लेकिन नाम हमारे ही थे. उसमें मैं एक टीवी होस्ट हूँ जो कहीं जाती है, वो किसी की छत पे वो और वो बता रही है, रिपोर्ट कर रही है कि ये देखिए हवाई फायरिंग होती है शादियों में, ये हमारे यहाँ खुशी मनाने का क्या तरीका है, ये वो, और उसी में उसको गोली लग जाती है.
तो ये सब भागते हैं, सानिया को गोली लग गई, सानिया को गोली लग गई कह के भागते हैं सब। राशिद है उसमें, राशिद फारूकी। तो वो जो चला टीवी पे बहुत ज्यादा, तो घबरा गए सब, किसी ने देखा नहीं कि वो प्ले चल रहा है या नहीं। ये भी पता है ये सब दोस्त हैं, वो क्लिप किसी ने देखी सिर्फ अलग से वो। तो मेरे फोन पे उन्होंने ट्राई, ये क्या कोई तो उठाएगा, तो उन्होंने कहा है तो हेलो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। मैंने कहा मैं सानिया बोल रही हूँ, हेलो क्या हो गया। और मैं जा रही थी हैदरी गाड़ी चला के, मैंने कहा एक फोन दो फोन, मैं फोन नहीं उठाती गाड़ी चलाते हुए, एक फोन दो फोन चार फोन हुआ है ये। मैंने कहा क्या, मैं समझी शहर में हंगामा हो गया है, मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे हो, या वहाँ फलानी जगह मत जाओ, ऐसा बहुत होता है ना कराची का नेटवर्क ऐसा ही है, कहाँ पे हो वहाँ मत जाना, उस रास्ते से मत आना, उस रास्ते से मत जाना। लेकिन क्या बात है कराची, ये तो है, कवर किया आपने, अच्छा बहुत अच्छा कराची है। नहीं नहीं जो बात है जो बात, ये तो है, खासतौर पर खवातीन के लिए। तो वो उन्होंने वो एक खप समझ गया, मेरे घर भी फोन चले गए, अम्मी डर गई कि ये क्या। लेकिन अम्मी को पता नहीं क्या, अम्मी बहुत हाजिर दिमाग है, अम्मी को एकदम याद आ गया कि तो अम्मी ने मुझे फोन किया, ये आसानी से नहीं जा सकती, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी है। तो अम्मी ने कहा ये प्ले वाला वो चल रहा है, मैंने कहा हाँ जी अम्मी ये प्ले वाला है, परेशान ना हो, किसी का भी फोन आए उन्हें जवाब दे दे कि हम थके। और मैंने कहा यार सबको पता है, गेट टुगेदर रखी लेती इस बारे में, कि देखिए मैं मुझे गोली नहीं लगी। अच्छा ऐसा है सानिया जी, गेम क्योंकि थिएटर मैनेजर भी हैं आप जी, और रह चुकी हैं गालबन जी, थिएटर किया भी बहुत है, तो अब जो नया सेगमेंट है हमारा आज का, उसका नाम है वर्ड ओ वर्ड, ठीक है। करना इसमें क्या है, स्क्रीन पर एक लफ्ज आएगा मैम, और हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, जो उस कॉन्वर्सेशन में उस लफ्ज का सबसे ज्यादा तरीके से इस्तेमाल करेगा, पीछे वो काउंट कर रहे हैं, वो हम दोनों में से जीत जाएगा, ठीक है। सीन क्या बनाए, कुछ भी बना लेते हैं, दिखाओ वर्ड। मुताबिक भाई शाज़ेब खानज़ादा के मुताबिक, और कौन कौन है हमारे एंकर सोहेल भाई के मुताबिक, मेरे मुताबिक जियो का सबसे अच्छा होस्ट मैं हूँ, आपके अपने मुताबिक, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक, मेरे मुताबिक वो तमाम लोग जो अपने मुताबिक अपने आप को बेहतरीन एंकर समझते हैं, लोगों के मुताबिक वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं और नार्सिसिस्टिक होते हैं, और ऐसे वक्त में मेरे मुताबिक करना ये चाहिए कि ज़रा अकेले बैठ के अपने मुताबिक देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने घर वालों के मुताल्लिक सोचना चाहिए कि वो मेरा एक दोस्त है मुताबिक उद्दीन, मुताबिक की साइकिल एक बार खराब हो गई, तो वो मैं उसके घर गया हुआ था, नीचे से उसको आवाज आ रहा था मुताबिक ओ मुताबिक अबे मुताबिक, तो मुताबिक ने आपसे कहा होगा अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे मुताबिक तो तुमको अभी स्कूल में होना चाहिए था। वो नीचे आने लगा तो उसकी अम्मी ऊपर से आवाज देने लगी मुताबिक 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 बात सुनना, मुताबिक की बात कर रहा था। तो फिर मुताबिक की बात को आगे बढ़ाते हैं, मुताबिक हो गया भाई अच्छा गेम था। वाह 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 ताबिश हाशमी ये तो हद ही हो, मेरे मुताबिक इस वक्त ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लीजिए मैं टीम को देखता हूं, ये कैसे हो सकता है यार, ब्रेक लीजिए वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा, ताली बजा रहा इतना मुताबिक किया मैंने, काश तुम गंजे होते तो तुम्हारी टिन पे अपना चेहरा देख पाती मैं। अब जरा लेवल अप करेंगे, थोड़ा रोमांस में आएंगे, काश तुम गंजे। तो तुम्हारी टिन पे अपना चेहरा देख पाती मैं, निकालो मेरे बाल। सारिया ये बताइए कि आपका माशाल्लाह से ऐसा करियर है जो जिससे लोग रश खाते, लेकिन आपको अगर किसी मेल एक्टर का करियर पूरा का पूरा स्वैप करना हो अपने साथ, तो कौन सा वो दुनिया का मेल एक्टर है जिसका पूरा करियर आप चाहेंगी वो मैं होता होती, जो भी दुनिया का, दुनिया का लियोनार्डो, कौन सा वाला, पहली फिल्म में डूब गया वो तो लड़का है, टाइटैनिक में नहीं डूब गया था वो, हॉल वाला खुद, हाँ देखिए डूब के उभरना इसको कहते हैं, क्या बात, बहुत आला, वाह वाह
यहाँ डूबा वहां टाइटैनिक में डूबा, ऐसा उभरा कि डूबो ही नहीं सक रहा उसको, बहुत एक्टर है लेकिन बहरहाल उनका और पाकिस्तान में उनकी फिल्मों की चॉइस अच्छी है। पाकिस्तान में अगर कोई एक्टर ऐसा हो, पाकिस्तान में करियर पूरा पूरा करियर नहीं क्योंकि स्कैंडल इतने आ जाएंगे साथ में, नहीं स्कैंडल के अलावा आई थिंक थोड़ा क्या थोड़ा बुरी सी बात है, मेरा ख्याल है जितनी वर्सेटिलिटी हमारी ख्वातीन अदाकाराओं में है वो मर्द हजरात में कम है, तो मैं मर्द हजरात से नहीं स्वॉप करना, उज्मा गिलानी से कर लूँ। क्या भाई बहुत बड़ा नाम लिया आपने उज्मा गिलानी का, बहुत अच्छा अगर वो दे दें तो अच्छा। अब ऐसा है कि आपकी एक्टिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाए एज इफ हमने आज तक की नहीं है दुनिया में तो, लेकिन हंसना मनाए में अलग टेस्ट होते हैं। अच्छा। मैं एक डायलॉग आपको बताऊंगा और डिफरेंट एक्सप्रेशंस फिर मैं बोलूंगा, आपने वो डायलॉग उन डिफरेंट एक्सप्रेशंस में कहना है, ठीक है? डायलॉग दिखाओ मियां, काश तुम गंजे होते तो तुम्हारी टिंट पर अपना चेहरा देख पाती मैं, पहला एक्सप्रेशन है आपने खुशी में ये बात कहनी है, काश तुम गंजे होते तो तुम्हारी टिंट पर अपना चेहरा देख पाती मैं, आपको ये रोते हुए कहना है गम में, काश तुम गंजे होते तो तुम्हारी टिंट पे अपना चेहरा देख पाती, काश मैं होता गंजा, डर में कहना काश काश तुम गंजे होते तो तुम्हारी टिंट पे अपना चेहरा देख पाती मैं। अब जरा लेवल अप करेंगे, थोड़ा रोमांस में आएंगे, काश तुम गंजे हो तो तुम्हारी टिंट पे अपना चेहरा देख पाती मैं, निकालो मेरे बाल। आखिरी बहुत ही सरप्राइज्ड उसमें, काश तुम गंजे होते तो तुम्हारी टिंट पे अपना चेहरा देख पाती मैं, बहुत आला आप कितनी अच्छी एक्टर है, बहुत आला भाई वाह बहुत अच्छे। अच्छा अब वक्त है जल्दी जल्दी गेम्स खेलेंगे, गेम का नाम है बचाओ, बचाओ में होगा ये, एक आपके दिल के करीब शख्सियत यहाँ मुसीबत में फंसी होंगे और आपसे तीन सवाल पूछे जाएंगे, एक मिनट में आपने उन सवालों का जवाब देना है। मसला ये सवाल तो आसान होते हैं मगर जब टाइम कम बच जाता है तो ये लोग जो हैं शोर बहुत करते हैं। नहीं यार ये नहीं करना, तो आप देखते हैं कि मुसीबत में कौन है, कौन है भाई, अरे सर मत भाई मुसीबत, अरे यार ये तो एनी टाइम मुसीबत में रहते, कभी फिल्में बैन हो रही है कभी रिलीज नहीं हो रही, मैं इनको कहता हूँ आपकी इतनी फिल्में बैन हो चुकी हैं आप सही मानो में एक बैन हो लकवामी आर्टिस्ट, इतनी फिल्में बैन हो चुकी। अच्छा सरमत भाई को आपने बचाने हैं, तीन सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक मिनट का टाइम है इन तीन सवालों के लिए। अच्छा। पहला सवाल, पाकिस्तान के कोई भी सात शहरों के नाम बताइए, कराची लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद गुजरांवाला पिशावर क्वेटा सवाबी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पाकिस्तान की कोई भी सात मूवीज के नाम बताइए, कमली जॉयलैंड मंटो अपना अरे ये मौला जट अरमान आईना बंदिश हो गई सात। स्टॉप, बहुत अच्छा खेला आपने भाई, अदब लड़को बचने नहीं देना, नहीं। सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे आठ लफ्ज जिनमें ला आता हो, एक एग्जांपल है ला महदूद, ला आता हो जी, तो आपने एक जाया कर दिया आठ है ना, तो ला हासिल, ला मुतनाई, वाह लापरवाह ला हासिल हो गया, अच्छा जवाब दे दे बंदा, ला जवाब, हाँ आगे ला ताल्लुक, वाह एक बड़ा मशहूर ड्रामा था पाकिस्तान का शुरू के दिनों में, वारिस जो होता है ला वारिस। बात कह दिया, बहुत तुम लोग खराब हो आप, एक ला के चक्कर में इतना सीनियर इंसान उसका भी तुम लोगों ने देखे, आप कह रहे आपके जवाबों के चक्कर में एक बंदा ला पता हो, यार ये देखो ये बहुत गलत बात है सारिया, शो के आप आई पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा डर था कि आप शायद मना कर देंगे, मैं इसके साथ लड़के के साथ नहीं बैठूंगी, नहीं क्यों पता मैं नहीं, मैं तो कुछ शख्स था
नहीं ताकि मैं आपका शो ना तबाह करूं। नहीं ये तो आपने नहीं मतलब कि मेरा वो जरा नहीं है ना। नहीं मुझे बहुत मजा आया आप यू हैव टेकन दिस शो नॉचेस अप थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू थैंक यू। जाने से पहले मैं यूजुअली करता हूं कमाल की बात मगर जब कोई कमाल का आर्टिस्ट आया हो तो मैं चुप रहता हूं और उनसे कहता हूं कि वो करें कमाल की बात। तो ये रहा आपका कैमरा कीजिए कमाल की बात। तो अपने आप को पॉलिटिकली अवेयर कीजिए अपनी पॉलिटिक्स और अपनी आइडियोलॉजी को क्लियर कीजिए। वेरी नाइस। अपने आप को एजुकेट कीजिए एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज़रा जो यंगस्टर्स हैं मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ जो कि मेरे वालदैन ने मेरे साथ किया और हम भी अपने घर के बच्चों के साथ करें ज़िंदगी को चलाने के लिए उसे बरतने के लिए बहुत सारे हुनर होने चाहिए आपके हाथ में स्किल होने चाहिए आपके हाथ में जिनमें मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को दो काम करने चाहिए। एक तो अपना वक्त ज़रूर वॉलंटियर करना चाहिए कहीं ना कहीं चाहे वो किसी को पढ़ाने के लिए हो जिसमें आपका कोई मॉनिटरी फ़ायदा नहीं है वो ज़रूर करना चाहिए और एक काम कोई ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिसमें है आपका मॉनेटरी फ़ायदा और फिर आपको जो उससे पैसे मिलें उनको मैनेज कैसे करना है और उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है ये एक प्रैक्टिस है जो आगे ज़िंदगी में आपको बहुत काम आती है। थैंक यू। तो ये मेरी दरख्वास्त बहुत आला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ता मनाए गाज़ी रोज़ वक्त हुआ है अस्ता मनाए के जाने का फिर मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। जल्दी सोइएगा सुबह उठिएगा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट अल्लाह हाफ़िज़।